हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं बनाना फ्राई। बनाना फ्राई बनाने के लिए हमें इन सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, स्पाइस बॉक्स है जिसके अंदर आप देख सकते हैं सारे स्पाइसेस हैं। ऑयल, चिलीज, करी लीव्स, जिंजर गार्लिक, ऑनियंस एंड रॉ बनानास। अब हमें ऑनियंस चिलीज को स्मॉल पीसेस में कट करना है और जिंजर गार्लिक को मैश करना है जिससे कि फ्लेवर अच्छा आए। अब हमने सभी चीज़ों को कट कर लिया है और जिंजर गार्लिक को मैश किया है। अब हमें रॉ बनानास को ऐसे ही कट नहीं करना है, हमें पहले अपने हैंड्स पर ऑयल अप्लाई करना है, फिर हमें इसको पील करना है और फिर कट करने के बाद हमको इस वाटर के अंदर छोटे पीसेस में कट करके डालना है। पहले हम अपने हैंड्स पर ऑयल अप्लाई करेंगे और बनाना को पील करने से पहले इसके बोथ साइड्स हम कट करेंगे। कट करने और पील करने के बाद हमने इसको वाटर के अंदर स्मॉल पीसेस में कट करके रख दिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब हम कट हुए बनानास को बॉईल करना है हाई फ्लेम पर और 1 स्पून इसमें डालना है सॉल्ट। और हमें ये याद रखना है, बनाना को हमें ज़्यादा बॉईल नहीं करना है। अगर हम बनाना को ज़्यादा बॉईल करेंगे तो ये पेस्ट बन जाएगा। आफ्टर 10 मिनट्स हम देखेंगे कि बनाना बॉईल हो रहे हैं, तो हम गैस को ऑफ करके इसको स्ट्रेन करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने बनाना उसको स्ट्रेन कर दिया है, इसका वाटर अच्छे से निकल गया है। अब हम 1 पैन के अंदर ऑयल लेंगे। ऑयल हम थोड़ा एक्स्ट्रा ले सकते हैं क्योंकि हमें बनाना को फ्राई करना है। जैसे ही ऑयल हीट होगा हम उसमें 1 स्पून डालेंगे मस्टर्ड सीड्स। उसके बाद 1 स्पून जीरा। उसके बाद हम ऑनियंस डालेंगे और इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। जब ये मिक्स करने के बाद हम देखेंगे कि आफ्टर दैट ये गोल्डन ब्राउन हो गई, उसके अंदर हम जो बनाना है उसको डाल देंगे और उसके ऊपर डालेंगे हम 1 स्पून चिली पाउडर, 1 स्पून सॉल्ट। सॉल्ट हम थोड़ा डालेंगे क्योंकि हमने बॉईल किया था तो उसमें ऑलरेडी सॉल्ट डाला था। 1 स्पून टर्मरिक, 1 स्पून धनिया पाउडर। अब इन सभी स्पाइसेस को हमें अच्छे से मिक्स करना है जिससे कि बनाना पीसेस सारे स्पाइसेस को ऑब्जर्व करें। अभी हमने सभी को अच्छे से मिक्स कर दिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं सारे स्पाइसेस, सारी वेजिटेबल्स आपस में मिक्स हो गई हैं। अब हमें लिड से इसको कवर कर देना है। थोड़ी देर बाद हमें चेक करना है कि बनाना हाफ कुक हो चुके हैं। हमें अच्छे से मिक्स करना है। बनाना ऑलमोस्ट कुक हो गए हैं। अब बनाना को हमने कर लिया है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें।